ड्रीम क्लास के चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि अब तक आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा कि मैंने आपको फंक्शंस UDF यूजर डिफाइंड फंक्शन अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, तो भी उसमें कुछ आपको प्रैक्टिकल जो प्रोग्राम्स है कि फंक्शन वैल्यू रिटर्न किस तरह कर रहा है, फंक्शन के अंदर पैरामीटर किस तरह पास करना है, तो मैं आपको आज की वो वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि आप आज की वीडियो पूरी अंत तक देखिए ताकि आपको फंक्शन अच्छे से पता चल जाए। ओके, ना कि सिर्फ सी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फंक्शन समझना है। अगर अगर आप एक प्रोग्रामर है और अगर आप या तो एक प्रोग्रामर है या तो एक डेवलपर है या आप एक ट्यूटर बनना चाहते हो, ओके, तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, जावा, PHP, .NET, iOS, एंड्रॉयड, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ये जो कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये कॉन्सेप्ट को डिराइव कर रही है। ओके, सिंटेटिकली थोड़ा चेंज है लेकिन फंक्शन का वर्क एक ही है, क्योंकि हर जगह लार्ज प्रॉब्लम को डिवाइड किया गया है स्मॉल पार्ट में। ओके, तो मैं चाहता हूं कि आप जो ये कॉन्सेप्ट से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सी के जो भी हमने मैंने अब तक सिखाया है कि जैसे कि लूपिंग स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट, अभी फंक्शन है, वो आपको अच्छे से समझ जाए। ओके, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सके कि मैंने आपको सी को स्टार्टिंग से समझाया है कि सी को इतना इंपॉर्टेंस, महत्व क्यों दिया गया है। ओके, तो चलिए आज मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा सी का एक IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ओके, उसमें मैंने दो हेडर लाइब्रेरी इंक्लूड कर दी है जो हमें नेसेसरी है, रिक्वायरमेंट है। ओके, प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट वॉइड मेन है। ओके, उसमें क्लियर स्क्रीन और गेट स्क्रिप्ट जो ऐसे दो हमारे स्टेटमेंट है। अभी बिफोर फंक्शन, मैं फंक्शन स्टार्ट करने के पहले आप एक सिंपल एडिशन बनाना चाहता हूँ, दो नंबर का एडिशन करना चाहता हूँ। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे एडिशन किस तरह कर सकते हैं। एडिशन करने के पीछे मेरा यह रीजन रहेगा कि कारण रहेगा कि आप उस एडिशन को किस तरह फंक्शन में यूज कर सकते हैं, उसको मैं रिप्लेस करूंगा फंक्शन से। तो पहले हम देखते हैं कि सिंपली किस तरह एडिशन करते हैं वेरिएबल का। तो यहां पे मैं ले लेता हूं इंटीजर ए और बी, और यहां पे सम, मतलब ए और बी का सम होगा जो जाएगा सम नाम के वेरिएबल में। ओके, यहां पे प्रिंट एफ, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, स्कैन एफ, एम पर्सन ए, ए की वैल्यू यूजर के पास मैं इनपुट करा रहा हूँ। ओके, आप चाहे तो स्टेटिक भी यूज कर सकते हैं। कभी भी एक चीज याद रखिए कि आप कभी भी कोई भी प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, तो उस प्रोग्राम को पूरा डायनेमिकली बनाइए, मतलब कोई फिक्स वैल्यू असाइन नहीं करिए, मतलब उसको इतना UI प्रोवाइड करें कि यूजर जो भी वैल्यू उसकी खुद की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सके वो। उसी तरह मैं यहाँ पे बी की वैल्यू इनपुट कर देता हूँ, प्रिंट एफ। देखिए ये प्रिंट एफ भी आपका फंक्शन ही है लेकिन इनबिल्ट फंक्शन है जो स्टूडियो वाली लाइब्रेरी में स्टोर हुआ है। ये हम जो लिख रहे हैं एंटर द वैल्यू ऑफ, वो हमने क्या एक पैरामीटर ही पास किया है, उसको यू कह सकते हैं कि आपने उसके अंदर एक आर्गुमेंट ही पास की है, एंटर द वैल्यू ऑफ बी। आपने कॉमा एन परसेंट बी। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने मैसेज में कैपिटल ए लिखा है लेकिन यहाँ पे स्कैनर पे स्मॉल ए लिखा है। उसका रीजन ये है कि मैंने जैसा कि आपको पता है सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, अगर मैं यहाँ पे स्मॉल ए डिक्लेयर कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे स्मॉल ए डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके, तो आप ये पूछ सकते हैं कि इसमें ए क्यों कैपिटल है, क्योंकि ये तो हमारा मैसेज है, इसमें आप ए स्मॉल में लिखिए या फिर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज करिए, मैसेज में आपको कोई भी चलेगा। ओके, यहाँ पे आप ए कैपिटल डिक्लेयर नहीं यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आपको यूज करना है, कर तो सकते हो लेकिन यूज करना है तो आपको वेरिएबल भी कैपिटल ए डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके, ये आप मेरी सारी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन किस तरह यूज किया है और किस तरह हमने उस पर वर्क किया है। ओके, ये ए और बी को मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया।
ओके अब यहाँ पे सिंपल सम इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहाँ पे एडिशन तो हो गया है ओके कुछ प्रोग्रामर्स या फिर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो रन करते हैं प्रोग्राम को, लेकिन वो सोचते हैं कि हमारा आउटपुट तो आ ही नहीं रहा है वैल्यू एंटर करने के बाद। लेकिन एक थिंग यहाँ पर रह जाती है कि आपका एडिशन हो गया है, अगर आपको आपका एडिशन देखना है तो आप सम नाम के वेरिएबल को प्रिंट करिए, क्योंकि आपका जो एडिशन हो रहा है वो सम में हो रहा है। तो प्रिंट एफ सम इक्वल टू परसेंटेज ए, और मुझे यहाँ पे सम लिखना पड़ेगा ठीक है। देखिए 12 प्लस 3 15, आप अलग अलग वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं 45 प्लस 3 48 56 प्लस 4 60। ये तो हमने एक सिंपल प्रोग्राम एग्जांपल बनाया। अब इसी एग्जांपल को अगर मुझे दोबारा ए और बी का एडिशन या फिर एक्स और का एडिशन मुझे मेरे दूसरे प्रोग्राम में चाहिए या फिर मुझे कई और यूज करना है इसी प्रोग्राम में, तब आपको क्या करना पड़ेगा कि ये एज इट इज पूरा ब्लॉक आपको वापस डिफाइन करके लिखना पड़ेगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, एंटर द वैल्यू ऑफ वाई, जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई। वहाँ वर्क क्या हो रहा है, वहाँ हो तो रहा है दो एडिशन ही हो रहा है दो वेरिएबल का। ओके वेरिएबल भले अलग है लेकिन एट द एंड उसको रिजल्ट तो वही मिल रहा है ना कि मैं दो नंबर का एडिशन करवा रहा हूँ। ओके तो अब इस प्रोग्राम को जैसे कि मैंने कहा फंक्शन इज फंक्शन के आपको लार्ज जो आपके पास प्रॉब्लम होगी उसको डिवाइड कर दोगे आप स्मॉल प्रॉब्लम में। आप ये सोच रहे हो यहाँ पे लार्ज प्रॉब्लम तो है नहीं, भले या लार्ज प्रॉब्लम नहीं फिर भी मैं इसको आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ फंक्शन में आप किस तरह डिवाइड कर सकते हो। ओके तो मैं पहले यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर कर दूंगा वॉइड एड नाम का। ओके एड नंबर्स ओके पहले मैं आपको इसी प्रोग्राम को दो अलग अलग तरीके से समझाता हूँ। पहले आप कोई पैरामीटर पास ना करें विदाउट पैरामीटर। ओके तो पहले आपने सिंपल फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया है, अब उसको डिफाइन करने के टाइम पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि रिटर्न टाइप आपने यहाँ पे क्या यूज़ की है वर्ड। ओके तो आप यहाँ पे सिंपल रिटर्न टाइप वर्ड यूज़ करिए, फंक्शन का नाम क्या है एड नंबर। ये नहीं चलेगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने फंक्शन का नाम चेंज कर दिया है। ओके अगर आपको देखना हो तो आप रन कर करके देख सकते हैं। इसके अंदर मैं स्टेटमेंट प्रोवाइड करता हूँ। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है कि मेरा जो कोड था ब्लॉक था कि मेन यहाँ पे मुझे क्या टास्क परफॉर्म हो रहा था कि ए और बी की वैल्यू मुझे एडिशन करवानी थी, तो मैं सीधा ये ब्लॉक यहाँ पास कर देता हूँ। ओके अभी आपको ए और बी की वैल्यू यही यूज करनी होगी तभी उसको पता चलेगा, और ये आपको स्टेटमेंट भी यही प्रिंट करना होगा। मतलब क्या कि जो भी मेरा मेन टास्क था स्पेसिफिक टास्क, अब आप कह सकते हैं दिस फंक्शन इज परफॉर्म द एडिशन ऑफ टू नंबर, मतलब वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है। मतलब जहां से आपने आपका कोड निकाला एडिशन का वहां पे आप सिंपली फंक्शन को कॉल करवा दीजिए एड नंबर वाले नाम से। देखिए मैं सिंपली इसको कॉल कर रहा हूँ, देखिए दो एरर आ रही है। पहली एरर क्या है कि फंक्शन एड नंबर शुड हैव अ प्रोटोटाइप, मतलब इस फंक्शन को उसका डिक्लेरेशन नहीं मिल रहा है। अब आप सोच रहे हो एड नंबर तो है ना, क्योंकि यहाँ पे मेरा एन कैपिटल और यहाँ पे एन स्मॉल है। ओके दूसरी एरर क्या है हमारी कि टाइप मिसमैच रिडिक्लेरेशन इन एड नंबर, कि उसको फिर वहाँ पे मिसमैच मिला। ओके और एक हमारी वार्निंग है, वार्निंग आपके प्रोग्राम को कोई अफेक्ट नहीं करती वैल्यू। ओके तो मैं यहाँ पे एन मेरा कैपिटल कर देता हूँ और इस यहाँ पे भी डिफाइन फंक्शन डिफाइन के टाइम पे भी एन कैपिटल कर देता हूँ। ओके यहाँ पे एक कमेंट मार दीजिए आपकी फंक्शन कॉल।
अब यहाँ पे जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया है कि एड नंबर डिक्लेयर किया है, यहाँ पे एड नंबर वाला उसको डिफरेंट ब्लॉक मिल जाएगा, डेफिनेशन ब्लॉक, और यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है। अब आप रन करिए, हमारे आउटपुट में आपको कुछ डिफरेंस नहीं दिखेगा, कुछ अफेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन आपका जो एडिशन वाला कोड था मैंने उसको एक सेपरेट फंक्शन में डिवाइड कर दिया है। अब आप यूज सोच सकते हो कि आप इस एड नंबर वाले को कहीं पे भी यूज कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो, ओके। और दूसरा एडवांटेज क्या है कि जैसे कि आप प्रोग्राम में अब एडिशन कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, तो आपका पूरा कोड एक ही हो जाएगा, मतलब एक ही प्रोग्राम में हो जाएगा, ओके, एक ही वर्ड में किया जाए। तो मैंने उसको क्या सेपरेट सेपरेट आप उस ब्लॉक बना सकते हो, जैसे कि एड नंबर, सब्ट्रैक्ट नंबर, मल्टीप्लीकेशन नंबर, मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट अलग फंक्शन बना सकते हो, तो आपको इजीली वो सेपरेट और इजी डिबग होने में इजीली हो, मेंटेन आप उसको इजीली कर सकते हो, ओके। क्योंकि हमें प्रोग्राम को मेंटेन करना आना चाहिए ताकि हमारी कभी भी एरर आए तो आप उसको इजीली डिबग करवा सकें। अब इसी में मैं आपको फंक्शन वैल्यू रिटर्न किस तरह करता है वो एक्सप्लेन करता हूँ, ओके। तो ये हमारा सिंपल प्रोग्राम था, एडिशन ऑफ टू नंबर। अब आप पहले एक तो पैरामीटर पास कर दीजिए। अब आपको पैरामीटर पास करने के लिए यहाँ पे डिक्लेरेशन में दो वेरिएबल चाहिए, जैसे कि इंटीजर एक्स, पहले तो इंटीजर ए, इंटीजर वाई, बी, ओके। अगर डिक्लेरेशन में दो वेरिएबल है तो फंक्शन की डेफिनेशन में भी दो वेरिएबल होने चाहिए, इंटीजर ए कोमा इंटीजर बी, ओके। अभी कभी आपने ये सोचा कि मैं फंक्शन के डिक्लेरेशन स्टेटमेंट को ना यूज़ करके प्रोग्राम को रन करूं, ओके, तो वो आपको वही एरर प्रोवाइड करेगा। चलिए पहले तो मैं आपको सिंपली बता दूं कि हम पैरामीटर यूज ना करें और फंक्शन को डिक्लेयर ना करें तो कभी कभी आपके प्रोग्राम में लिंकर की एरर या दूसरी दो एरर आ सकती है कि फंक्शन एड नंबर शुड हैव प्रोटोटाइप और हुए, क्योंकि आपके फंक्शन को आपने डिक्लेरेशन नहीं मिल रहा है। अब हम पैरामीटर पास करते हैं अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, वही हमें फंक्शन की डेफिनेशन पे चाहिए, इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी। अब यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है कि इस फंक्शन को वैल्यू आपको कहाँ से प्रोवाइड करनी है, फंक्शन के कॉलिंग के टाइम पे, मतलब फंक्शन जहाँ से कॉल होगा, फंक्शन जहां से कॉल होगा उसको वहां से वैल्यू लेकर आनी है, ना कि आपको डायरेक्ट डेफिनेशन ब्लॉक में प्रोवाइड कर देनी है। तो मैं क्या करता हूं, ये वाला स्टेटमेंट वापस फंक्शन कॉलिंग में पास कर देते हैं हम, और हमारा जो वेरिएबल का स्टेटमेंट था डिक्लेरेशन को उसको लोकल वेरिएबल है इसलिए स्क्रीन क्लियर के ऊपर यूज करना पड़ेगा। ओके, अब देखिए आपके पास और भी दो वैल्यू है, मतलब आप यहाँ पे अभी आपको कॉलिंग के टाइम पे सिर्फ वेरिएबल्स प्रोवाइड करना है, ना कि उसकी डेटा टाइप, जैसे कि इंटीजर ए इंटीजर बी, जैसे मैंने डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में प्रोवाइड किया है, सिर्फ उसकी डायरेक्ट वेरिएबल की वैल्यू पास कर देनी है, वेरिएबल ही पास करना है, ना कि उसकी डेटा टाइप प्रोवाइड करनी है। अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि वर्ड में ए और बी की वैल्यू को इनपुट लेके एड नंबर वाले फंक्शन को प्रोवाइड कर रहा है कि भाई मेरे पास ले दो वैल्यू है उसको तो मुझे परफॉर्म करके दे, ओके। तो अभी आपको सम नाम का जो वेरिएबल है डिक्लेयर यहाँ करना पड़ेगा, ओके। अभी आप इंटीजर सम सम इक्वल टू ए प्लस बी प्रिंट एफ सम, ओके। अभी आप रन करके देखिए, ओके, अभी भी आपके प्रोग्राम में चेंज हुआ लेकिन आउटपुट तो आपको वही मिल रहा है, ओके। हमने क्या किया कि दो पैरामीटर, दो आर्ग्यूमेंट पास किए जिसको आप फॉर्मल पैरामीटर भी कह सकते हैं। इसके पिछले वाले प्रोग्राम, मतलब इसके पहले मैंने आपको क्या दिखाया था कि आपको जो वैल्यू ए और बी की थी वो फंक्शन के डेफिनेशन वाले ब्लॉक में मैं आपको बता रहा था। अब क्या कर रहा है कि फंक्शन जहां से कॉल हो रहा है, भाई मैं कह रहा हूं कि मुझे ये दो नंबर दे, तो दो वैल्यू प्रोवाइड मैं तेरे को दे रहा हूं, उसको मुझे एडिशन सब्ट्रैक्शन करके दे, तो वो ये करके दे रहा है मुझे, मतलब कॉलिंग के टाइम पे वो वैल्यू को पास कर रहा है, फेच प्रोवाइड कर रहा है, मतलब फंक्शन डेफिनेशन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है वैल्यू वर्ड मिन में से। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं आपने इंटीजर और इंटीजर बी की वैल्यू एक्सेप्ट की।
आपको मैं एक बार कंपाइलिंग करके दिखाना चाहूँ तो एंटर द वैल्यू ऑफ दो वैल्यू हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है 12 और 4। उसके बाद क्या कर रहा है, एड नंबर, मतलब एड नंबर वाला पूरा प्रोग्राम में देखेगा ए और बी की वैल्यू, मतलब ए की वैल्यू यहाँ पे 12 गई और बी की वैल्यू 4 चार गए, ओके। सम सम इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब ए की वैल्यू 12 आई और बी की वैल्यू 4 आई। इस ए की वैल्यू कहाँ से मिल रही है, यहाँ पर से, उस बी की वैल्यू मिल रही है यहाँ पर से, ओके। मतलब सम मेरे यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब आपको जरूरी नहीं है कि हर जगह आप डिक्लेरेशन में आपने ए भी यूज किया तो उसमें भी ए भी यूज करिए, आपका डिक्लेरेशन में आप एक्स वाई यूज कर सकते हो, कोई मैटर नहीं है, ओके। उसको सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट लगेगी फंक्शन को कि यहाँ पे आपने दो पैरामीटर पास किए और दोनों इंटीजर है, तो डिफाइन और कॉलिंग के टाइम पे दो पैरामीटर ही होने चाहिए और दोनों इंटीजर ही होने चाहिए, ओके। पैरामीटर के नेम के साथ उसको कोई कवर नहीं करना है, ओके। अब यहाँ पे भी आप कोई भी यूज कर सकते हो, जैसे कि इंटीजर पी और क्यू, देखिए, ओके। क्योंकि डिक्लेरेशन ब्लॉक हमारे अलग है, डेफिनेशन ब्लॉक अलग है, और वॉइडमेंट में जहाँ कॉलिंग प्रोग्राम ब्लॉक कह रहे वो अलग है। अब आप ये सोच रहे हो कि हम यहाँ पे भी अलग प्रोवाइड करें, जैसे कि आर एस, अभी आर एस आपने प्रोवाइड किया, गुड, ओके। अब यहाँ पे इसको आप रन करोगे तो देखिए अनडिफाइंड सिंबल आर एन एस, मतलब R और S की वैल्यू कब, A और B की वैल्यू को वैल्यू कैसे मिल रही थी यहाँ पे, मतलब यहाँ पे भी आपको R और यहाँ पे S करना पड़ेगा, या R और S करे तो आपको वेरिएबल चेंज करने पड़ेगा। मतलब एक लोकल ब्लॉक में उसकी जितनी भी बाउंड्री है, ओके, स्कोप बोल सकते हैं आप उसको, फंक्शन का स्कोप। अगर मेरे ये ब्लॉक में A, B है, मेरा स्कोप यहाँ तक फंक्शन के ब्लॉक तक यूज कर सकता हूँ मैं, उसकी बाउंड्री यहाँ से स्टार्ट हो गया या क्लोज हो रही है, तो उसका ये लोकल ब्लॉक हो चुका है। तो अगर आपने यहाँ पे A, B यूज किया तो आपको यहाँ पे A, B यूज करना पड़ेगा। अब मेरी बाउंड्री के बाहर में जा रहा हूँ, मतलब फंक्शन का डेफिनेशन ब्लॉक आया, तो आप यहाँ पे दो पैरामीटर कोई भी यूज करिए, लेकिन पैरामीटर दो ही होने चाहिए और दोनों इंटीजर ही होने चाहिए, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, ओके। कई बार आप सिर्फ इसमें वेरिएबल का नाम ना प्रोवाइड करें तो भी चलेगा, देखिए, ओके। तो ये हमारा सिंपल एक प्रोग्राम था कि हम किस तरह वैल्यू को वॉइड मेन में से फेच करवा सकते हैं, किस तरह पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो इसी प्रोग्राम में मैं आपको एक्सटेंड करके देता हूं कि जो हमारा रिटर्न स्टेटमेंट था वो किस तरह वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, ओके। आपको कंफ्यूज हो तो आप यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड कर दीजिए, कोई बात नहीं, फंक्शंस मतलब पैरामीटर में वेरिएबल के नाम प्रोवाइड कर दीजिए, ओके। अभी हमें जो वैल्यू रिटर्न करवानी थी, ओके, वैल्यू रिटर्न करने के टाइम आपको एक तीन चीज याद रखनी पड़ेगी। एक तो अगर आप कोई भी फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करवाना चाह रहे हो, अगर आप कोई भी फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करवाना चाह रहे हो तो आपको फंक्शन की प्रोटोटाइप मतलब उसका डिक्लेरेशन चेंज करना पड़ेगा। अभी मुझे क्या रिटर्न हो रहा था वैल्यू, आप देखिए, एक इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न हो रही थी ना। अब आपको उस बेस पे ध्यान रखना है कि आपको फंक्शन कौन सी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, फ्लोट वैल्यू रिटर्न कर रहा है, कैरेक्टर। मुझे इंटीजर वैल्यू रिटर्न करवानी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीजर। अब आपको यहाँ पे इंटीजर वैल्यू रिटर्न करवानी है तो आप उसकी डेफिनेशन ब्लॉक डिफाइन ब्लॉक में अभी रन करेंगे तो आपको एरर मिल जाएगी, टाइप मिसमैच इन रीडिक्लेरेशन ऑफ द एड नंबर। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि आपने फंक्शन के डिक्लेयर में प्रोटोटाइप में जो रिटर्न टाइप यूज किए वही आपको यहाँ यूज करनी होगी, ओके। अब मैं यहाँ पे इंटीजर कर देता हूँ, ओके। इतना करने के बाद अभी सोच रहे हम प्रोग्राम को रन करें, तो चलिए रन करते हैं। अब देखते हैं हमारी वैल्यू, ओके। अब ये इसको आउटपुट तो प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि ये एड नंबर वाला फंक्शन कॉल तो हो गया, लेकिन मुझे यहाँ पे एडिशन वाली वैल्यू को यूज करना हो वॉइड मेन में, मुझे जो मुझे मेरा एडिशन मिल रहा था सम, वो तो मुझे यहाँ एड नंबर वाले इस ब्लॉक में मिल रहा था। अब मुझे उस सम की वैल्यू को यूज करनी हो वॉइड मेन के अंदर, तो आप किस तरफ करवाएंगे, क्योंकि आपके पास सम तो इस वाले में हो रहा है ना, आपको यहाँ पे सम लेके ए और बी का वापस ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा अरिथमेटिक, जो यहाँ पे आपने सम इक्वल टू पी प्लस क्यू लिखा है, ओके। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो प्रिंटेप यहाँ नहीं करवाना है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे जो सम हो रहा है आपका, उसको आप सिंपली रिटर्न करवाइए कि मुझे एक वैल्यू रिटर्न करनी है, तो रिटर्न में करवा रहा हूँ रिटर्न सम, ओके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, अगर कोई फंक्शन डेफिनेशन में वैल्यू रिटर्न कर रहा है
तो वो कहाँ जाएगा? फंक्शन कॉलिंग वाले स्टेटमेंट पे। मतलब फंक्शन का कॉलिंग स्टेटमेंट क्या करेगा कि वो एक वैल्यू को स्टोर करना पड़ेगा। ओके, कभी मैं कोई वैल्यू को फेंक रहा हूँ, ओके, तो उसे फेच करवाने के लिए, क्रिकेट में देखा होगा आपने, जैसे कि कोई क्रिकेटर हो, ओके, स्ट्रोक प्ले कर रहा है तो सारे प्लेयर्स क्या वेट कर रहे हैं कैच का। ओके, तो सोचे कि मैंने यहाँ पे थ्रो किया, फेंका, तो यहाँ पे मुझे कैच करने के लिए, होल्ड करने के लिए एक वेरिएबल होना चाहिए सेपरेट। तो यहाँ पे मैं एक सी करके स्टोर कर देता हूँ, या फिर रिजल्ट करके आप स्टोर कर दो। ओके, तो रिजल्ट इक्वल टू 8 नंबर। अभी आपकी जो वैल्यू थी एडिशन की, मतलब सम की वैल्यू थी, वो सीधी गई रिजल्ट में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट यहाँ प्रिंट करवाना पड़ेगा। जब तक आप रिजल्ट वाले वेरिएबल को प्रिंट ना कराएंगे तब तक आपको एडिशन परफॉर्म नहीं होके देगा वो। देखिए, ओके, तो मुझे यहाँ पे यहाँ पे मैं एक मैसेज लिख देता हूँ, वैल्यू ऑफ रिजल्ट, या फिर एड वैल्यू ऑफ रिजल्ट लिखी है। आपको रिजल्ट वाला वेरिएबल प्रोवाइड करना है, यूज करना है। अब देखिए देखिए, वैल्यू ऑफ रिजल्ट इक्वल टू 55 आपको प्रिंट हो रहा है। अभी आप ये सोच रहे हो कि आपका आउटपुट तो तीनों चीजों में सेम ही आ रहा था, हमने तो सिर्फ प्रोग्रामेटिकली डिफरेंट डिफरेंट वर्क किया। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है यहाँ पे, कि अगर आपको रिक्वायरमेंट ये हो कि आपको कोई फंक्शन वैल्यू, किसी फंक्शन से कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करके उससे वैल्यू रिटर्न करनी हो, उस रिटर्न हुई वैल्यू पे आपको कुछ दूसरा ऑपरेशन टास्क परफॉर्म करना हो, जैसे कि मुझे एडिशन मिल गया, अब उस पर मुझे कुछ सब्ट्रैक्शन या फिर कुछ भी परफॉर्म करना हो, तो आप परफॉर्म कर सकते हो। तब हमें रिटर्न स्टेटमेंट यूज होगा, क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट आपके कोई भी एक ऑपरेशन, कोई भी एक फंक्शन के अंदर स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के बाद वहां से वो एक वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है। ओके, तो उस रिटर्न हुई वैल्यू पे हम कुछ दूसरा टास्क या दूसरा ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं दूसरे फंक्शन के अंदर। ओके, अभी सम वाली फंक्शन वैल्यू को मैं दूसरे फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकता हूँ। जब तक मैं वैल्यू यहाँ से रिटर्न नहीं करता तो मुझे यहाँ पे यूज नहीं होती। ओके, तो ये आपका सिंपली था कि आप किस तरह वैल्यू को रिटर्न करवा के भी यूज कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने इंटीजर यूज किया था तो उसके डिफिनेशन ब्लॉक में भी इंटीजर है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो 8 नंबर वाला आपका फंक्शन कॉल हो रहा है, ओके, आपका जो 8 नंबर वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, वो आपको एक वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है। आप डायरेक्टली इस तरह भी समझ सकते हैं कि मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ कि रिजल्ट इक्वल टू सम, क्योंकि आपकी जो सम की वैल्यू है वही आपके रिजल्ट में स्टोर हो रही है ना। ओके, तो इनडायरेक्टली हम इस तरह कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो यहाँ पे परफॉर्म किया है ऑपरेशन, वो सम की वैल्यू रिटर्न में स्टोर करके दे रहा है। अभी आपको आपको एक सेपरेट वेरिएबल ना बनाना हो, आप ये सोच रहे हैं मुझे सेपरेट वेरिएबल ना बनाना है, तो भी कंसिडरेबल है। ओके, क्या करिए, इस लाइन को आप कमेंट कर दीजिए, और सीधा ये 8 नंबर वाला ए बी वाला था ना, ये रिजल्ट में प्रोवाइड कर दिया, जैसे कि मैंने आपको मैथमेटिकल फंक्शन में समझाया था और स्ट्रिंग फंक्शन में समझाया था। देखिए, अब कहने का मतलब ये 8 नंबर वाला फंक्शन जो कॉल हो रहा था ए बी की वैल्यू को लेके, यहाँ पे कॉल हो रहा था, वो वैल्यू रिटर्न करके एक सिंगल वैल्यू जनरेट हो रही है। ओके, सिंगल वैल्यू जनरेट हो रही है, वो सीधा यहाँ पे प्रिंट हो गया। लेकिन आप हमेशा एक वेरिएबल में स्टोर करवाइए, ताकि आप उस वेरिएबल को वैल्यू को दूसरी जगह यूज कर सकते हैं और कोई भी स्पेसिफिक टास्क ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा सी में जो आपको फंक्शन का सिंपल कॉन्सेप्ट था, जो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। ओके, तो इसी तरह मेरी अलग अलग वीडियो है, आप पूरी जाके देख सकते हैं। तो आने वाले वीडियो में मैं आपको और भी नए नए जो भी उसके टूल्स, टेक्नोलॉजी, जो भी कॉन्सेप्ट है वो समझाऊंगा। तो मेरी वीडियो पसंद आई है तो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।